विगड़दे मौसम या कह लिए कुदरती आफतों के नाल जिथे देश भर के कई सूबों के कहर जारी है उत्थे ही गल हिमाचल प्रदेश की कर ली है। तो इस बार मानसून हिमाचल के लिए कहर वान वरके वरपदा नज़र आ रहा है। तो हिमाचल के इस समय जो स्थिति देखा जाए तो हिमाचल दियां तकरीबन निजी और सरकारी संपत्तियों का 5000 तो वाधा नुकसान दर्ज किया गया। मौत दर 134 हो चुकी है। इस नाल ये दस दिए कि हिमाचल दे जुलाई दे 24 दिन बड़े कहरवान चापते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जून महीने दे विच जो नुकसान दर्ज किया गया सी उस तो कई सौ गुणा ज़्यादा नुकसान जुलाई दे ना 24 दिनों दे विच दर्ज किया गया। की कुछ रहा है खास, पेश है खास रिपोर्ट। जुलाई च हुण तक पए मानसून दे मीने हिमाचल च पिछले 10 सालां दा रिकॉर्ड तोड़ दिता है। हिमाचल च जिथे 1 जुलाई तों 24 जुलाई तक 255.9 मिलीमीटर मीह पैना चाहीदा सी, असल दे विच इस वार मीह 390.3 मिलीमीटर दर्ज किया गया, जो कि आम नालों 102% वध है। जेकर साल 2021 तों पहलां दी रिपोर्टां ते नज़र मारीए तां जुलाई दे महीने लगातार आम नालों घट मीह पैंदा आ रिहा। 2021 तों बाद हिमाचल च जुलाई महीने च आम नालों ज़्यादा मीह दर्ज किए जा रहे ने, पर इस बार मीह ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिते। दूजे पास हिमाचल च पै रहे मीह कारण पंजाब च दरियावां ओवरफ्लो चल रही ने। सोमवार को भी कई थावां ते मीह पिया, उत्थे ही दूजे पास पाकिस्तान तो सतलुज दरिया च पानी ओवरफ्लो होकर भारतीय खेतरां च दाखिल होने कारण फाजिलका के 16 सरहदी पिंडां च स्थिति गंभीर बनी हुई है। गल की जाए तो 19 प्रभावित जिलों के 3 विभागों सेहत सिंचाई और जन सेहत च छुट्टियां रद्द कर दी गई ने। दूजे पासे पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री करतारपुर साहिब यात्रा 25 तरीक तो मुड़ आरंभी जा रही है। इस दे नाल ही गल दिल्ली की कीती जावे तो सोमवार दोपहर 3 बजे दिल्ली च यमुना का जल पद्धर 206.57 मीटर तक पहुँच गया सी, जो कि खतरे के निशान तो 1.24 मीटर उत्ते है। उधर रेवाड़ी दिल्ली रूट से 2 यात्री ट्रेनों रद्द कर दिता गया। दिल्ली च हुण तक 5 एक्सप्रैस ट्रेनों के रूट बदले जा चुके हैं। इस तरह जे हिमाचल दे वल आपां मुड़ रुख करिए तो हिमाचल की आर्थिकता नूं किन्ना नुकसान होया उस ते गल कीती जावे तो आर्थिकता दे होए नुकसान दे विच आंकड़ा 242 करोड़ तो वध के 5115.83 करोड़ ते पहुँच गया। जुलाई महीने च पए भारी मीह ने सूबे की समुची आर्थिकता नूं विगाड़ के रख दिता है। इन्हां 24 दिनां च सूबे च 4873 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। जेकर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट से नज़र मारीे तो 30 जून में हिमाचल च मानसून कारण 242 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया, जबकि 1 जुलाई तो 24 जुलाई तक के नुकसान का आंकड़ा बढ़ के 5115.83 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। उत्थे ही इन्हां 24 दिनों जान माल का जिथे भारी नुकसान होया। सूबे 30 जून तक कुदरती आफत कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी सी, जबकि इन्हां 24 दिनों के यानी कि 1 जुलाई तो 24 जुलाई तक हिमाचल च 134 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दस दिए कि 30 जून ही भारी मीह नाल हिमाचल च 6 घर तबाह हुए सन, पर 1 जुलाई तो 24 जुलाई तक सूबे भर के कुदरती आफत के कारण 600 तो वध घर नुकसाने गए ने। अंत च गल आने वाले 4 दिनों संबंधी मौसम की कर लईए तो मौसम विभाग ने भारी मीह की चेतावनी दी है। हिमाचल च भारी मीह का अलर्ट जारी किया है और 24 और 26 जुलाई में सूबे भारी मीह लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, जिस कारण सूबे वड्डा नुकसान होने का खदशा भी जाहिर हो रहा है। इस तरह मौसम विभाग वालों पंजाब में भी 26 से 28 जुलाई तक भारी मीह का अलर्ट जारी किया गया। कल हरियाणा की करिए तो हरियाणा च 25 से 28 जुलाई तक मीह पैण की संभावना जताई जा रही है। कैंथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, जींद, भिवानी, दादरी लिए 26 जुलाई में भारी मीह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, 27 और 28 जुलाई में भारी मीह येलो अलर्ट जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।